फेसबुक के मेरे जितने भी दोस्त हैं, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मेरा आज का जो विषय है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हुआ है, इसलिए मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुने और इसको शेयर भी करें। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो टॉपिक है, मैंने बहुत ही मेहनत और लगन से तैयार किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको ध्यान से सुने और इसको आगे भी शेयर करें। बेटी वो धन होती है जिसके जीवन में जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक दुख और अंधकार भरा होता है। बेटी न जाने किस्मत व समय की वो कौन सी घड़ी होती है जब उसका जन्म होता है, क्योंकि उसके कार्य की कभी गिनती नहीं होती। उदाहरण के रूप में एक पत्नी घर में सुबह चाय बनाने, खाना बनाने, बर्तन धोने, कपड़े धोने, झाड़ू लगाने, फर्श की सफाई करना, परिवार के प्रत्येक सदस्य को चाय और खाना सही समय पर तैयार करके देना आदि सभी कार्य करती है, और उसके कार्य सुबह से लेकर शाम तक कभी खत्म नहीं होते। आखिर उसे भी तो आराम की आवश्यकता होती है, और वो फिर भी अपने आप को थकने का एहसास ना तो कभी खुद करती है और ना ही यह एहसास दूसरों को होने देती है। उदाहरण के तौर पर स्कूल, कॉलेज, बैंक में और सरकारी छुट्टियां साल के 365 दिनों में न जाने कितने दिन होती है, लेकिन उसके काम की कभी कोई छुट्टी नहीं होती। आखिर वो भी तो किसी की बेटी है। क्या एक बेटा और दामाद उसके बराबर कभी काम कर सकता है? हमारा समाज पता नहीं इतना निर्दयी क्यों बना हुआ है जो बेटियों के हक के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाता। क्योंकि जब एक बेटी का जन्म होता है तो सारे घर में खुश होने के बजाय अपने आप को दुखी समझते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उसका हक भगवान ने पहले ही निश्चित कर रखा है। उसके भाग्य में क्या है? जब बेटी का जन्म होता है तो उसके माँ बाप इतने दुखी होते हैं और दुखी भाव से मन ही मन कहते हैं कि बेटी तो पराया धन होती है और इसको एक न एक दिन तो ससुराल जाना ही है। क्योंकि इतिहास भी इस बात का गवाह है कि राजा महाराजा भी बेटी को घर में नहीं रख पाए। जब बेटी जन्म लेती है तो माँ बाप भी उसको पराया कहते हैं और ससुराल में भी उसको बेगाना समझा जाता है। बेटियों की माँ बाप बचपन से ही नज़र उतारते हैं, लेकिन हमारे समाज की हमेशा बेटियों पर बुरी नज़र होती है। माँ बाप और गुरु के रास्ते पर चलने वाला बेटा तो कोई विरला ही होता है, लेकिन फिर भी बेटों को बेटियों की बजाय ज़्यादा लाड़ दुलार मिलता है। आज के युग में जो माँ बाप बेटे की चाह में इतना अंधे होते हैं, जिनको वो अपनी आँखों का तारा मानते हैं, कई बार तो ऐसे बेटे उन माँ बाप को उनके बुढ़ापे में वृद्ध आश्रम में रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। हमारे समाज में एक बेटी को भाई की इज्जत, बाप की पगड़ी, माँ की प्यारी और ससुराल का मान सम्मान समझा जाता है। कुछ तो हमारे समाज के रीति रिवाज ही ऐसे हैं कि माँ बाप बेटी के हर काम को मना कर देते हैं, क्योंकि माँ बाप बेटी पर भरोसा नहीं करते हैं। वे समाज के रीति रिवाजों के खिलाफ नहीं जाना चाहते। और तो और कुछ माँ बाप तो ऐसे होते हैं जो जन्म से पहले ही बेटी को मार देते हैं, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि असल में वो माँ बाप ही नहीं होते हैं जो बेटे की चाहत में इतने अंधे हो जाते हैं कि एक चिड़िया के आने से पहले और उड़ने से पहले ही उसके पंख काट देते हैं। क्योंकि वह बेटी जिसको पता ही नहीं कि उसका क्या नाम होगा, उसे कौन कौन गोद में लेकर खिलाएगा, उसे कौन कौन से खिलौने मिलेंगे, उसे कौन रुलाएगा, उसे कौन हंसाएगा, वह कौन से स्कूल या कॉलेज में जाएगी, वह भविष्य में बड़ी होकर क्या बनेगी, उसका क्या भविष्य होगा। आखिर उस बेटी के भविष्य में तो पहले से ही इतना अंधकार है, उसको क्या पता कि ऐसे माँ बाप जन्म से पहले ही उसका गला घोटकर उसकी सांस को वहीं दबा देते हैं। आज के युग में
श्रवण जैसे पुत्र का जन्म कभी होगा ये तो पता नहीं, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि वह अपने माता पिता का कितना संस्कारी और आज्ञाकारी पुत्र था। एक सच्चाई ये भी है कि जिस घर में बहू का मान सम्मान होता है उस घर में सास बहू के कभी झगड़े नहीं होते, क्योंकि जिस घर में बहू को भी बेटी जैसा प्यार मिले तो वह घर घर नहीं स्वर्ग बन जाता है। आज मैं आपको बेटी और बहू के बारे में एक बात और बताता हूँ, क्योंकि हमारे समाज में कई बार इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि ना तो बेटी को खुश रखते हैं और ना ही बहू को सुखी होने देते हैं। बेटी अगर ससुराल में खुश रहती है तो हमें भी खुशी होती है, अगर बहू ससुराल में खुश रहती है तो उसको खुश नहीं रहने देते, उससे हमारे समाज और उसके रीति रिवाज को बड़ी तकलीफ होती है। अगर दामाद बेटी की मदद करे तो बड़ा अच्छा लगता है, और अगर उसी घर में बेटा अगर बहू की मदद करे तो कहते हैं जोरों का गुलाम हो गया बेटा बहू के पीछे। बेटी अगर बीमार हो जाए तो दुख होता है, उसके बारे में चिंता रहती है, और अगर बहू बीमार हो जाए तो कहते हैं बहाने तलाश कर रही है कामचोर कहीं की। बेटी अगर कमज़ोर हो जाए तो कहते हैं ससुराल वाले बहुत जुल्म कर रहे हैं, मेरी बेटी कमज़ोर हो गई है, पता नहीं बेचारे को खाना खाने के लिए देते भी है या नहीं। और बहू अगर कमज़ोर हो जाए तो कहते हैं खाती तो बहुत है जाता कहाँ है पता नहीं। ऐसा क्यों है? अगर बेटी अकेली ससुराल में काम करे तो अच्छा नहीं लगता, और खुद के घर में बहू अकेली सारा काम करती है तो भी वह कामचोर कहलाती है। बेटी के ससुराल में उसकी सास और ननंद उसके काम में मदद न करे तो गुस्सा आता है, और खुद के घर में बहू की ननंद और सास उसके काम में मदद न करे तो वैसे ही लगता है। बेटी के ससुराल वाले अगर ताना मारे तो गुस्सा आता है, और खुद बहू के मायके वालों को ताना मारे तो बड़ा अच्छा लगता है। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि बहू भी किसी की बेटी होती है, आखिर वो भी तो अपने घर का त्याग करके आती है, वो भी तो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है, अपने माता पिता भाई बहन सबको छोड़कर अपना नया जीवन शुरू करती है। बेटियों में ही इतनी हिम्मत है जो दूसरों के घर जाकर दूसरों के माता पिता को स्वीकार करती है, बेटों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस त्याग के भागीदार बन सकें और दूसरों के माता पिता को स्वीकार कर सकें। अगर वो इस त्याग के भागीदार बनने की थोड़ी बहुत कोशिश भी करते हैं तो हमारे समाज के रीति रिवाज उसमें अड़चन डालते हैं। यदि क्योंकि कई बार हम देखते हैं यदि लड़का बीवी की अच्छाई बताए तो उसे जोरू का गुलाम कहा जाता है, और अगर वह ससुराल में जाकर 4 दिन रह ले तो उसे घर जमाई बोल दिया जाता है। ऐसा क्या हो जाता है कि शादी के पहले भाई अपनी बहनों से कुछ भी कहे तो बहनों को बुरा नहीं लगता, पर शादी के बाद कुछ कहे तो उनको लगता है कि उनकी भाभी ने भड़का दी है। शादी के पहले माता पिता भाई बहन लड़के पर प्यार ही प्यार लुटाते हैं, और शादी के बाद उसी बेटे पर उसके बदलने का आरोप लगाकर उसे खुद से दूर होने पर मजबूर कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि बेटा बदल गया है। शादी के बाद लड़के की हर बात को उसकी पत्नी के साथ जोड़ दिया जाता है, जबकि लड़का अपने परिवार के बारे में सबसे पहले सोचता है। फिर भी यही समझा जाता है कि लड़का बदल गया है, उसे सिर्फ अपनी बीवी की फिक्र है। अक्सर लड़के की शादी के बाद उसके घर वाले बोलते हैं कि तुम बदल गए, पर क्या कभी आपने ये सोचा कि लड़का तो नहीं बदलता है पर आप लोगों की हर सोच लड़के के लिए बदल जाती है। जब लड़का आपका है आपके संस्कार हैं तो वह कैसे बदलेगा, पर वह बदलता है जब उसका परिवार उसे बदलने में मजबूर कर देता है। सवाल ये है कि शादी के बाद लड़के के साथ ऐसा व्यवहार करना होता है तो क्यों आप लोग उन्हें शादी के सुंदर सपने दिखाकर बाद में उसका सुख चैन सब छीन लेते हैं, पर क्या आप जानते हैं सभी लड़के ऐसे नहीं होते, बल्कि वो शादी के बाद
अपने परिवार के प्रति और भी ज़्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं। वो तो नहीं बदलते हैं, पर आप लोगों का अपने ही बेटे को देखने का नज़रिया बदल जाता है। आपका बेटा पहले आपका बेटा ही रहेगा, उस पर विश्वास करके तो देखिए। उसे शादी के बाद भी पहले जैसा प्यार देकर तो देखिए, क्योंकि इस समाज में आज भी ऐसे लड़के हैं जिनके लिए परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर लड़के थोड़ा बहुत बेटे की तरह त्याग करने की कोशिश करते हैं तो हमारे समाज के रीति रिवाज उसमें बाधा डालते हैं, और बेटियों के साथ तो हर क्षेत्र में उनके साथ भेदभाव किया जाता है, और पता नहीं ये भेदभाव कभी ख़त्म भी होगा। बेटी को कुंजा पक्षी की तरह समझा जाता है, लेकिन कुंजा पक्षी कभी भी फसलों को उजाड़ता नहीं है। जिस तरह एक चिड़िया खेत में से कुछ अपने हिस्से के अन्न के दाने लेकर उड़ जाती है, उसी तरह बेटी भी अपनी किस्मत का जो धन होता है उसको लेकर ससुराल चली जाती है। और हमेशा ये कहा जाता है कि बेटी बेटे के बराबर है, लेकिन हमारे समाज की सच्चाई कुछ और ही होती है। बेटियां आज भी उस प्यार से वंचित रहती है जो बेटे को मिलता है। चाहे बेटी कितना ही अच्छा काम करे, चाहे बेटी हर क्षेत्र में बेटे से आगे निकल जाए, लेकिन उसे वो लाड प्यार नहीं मिलता जो एक बेटे को मिलता है, क्योंकि हमारे समाज में बेटे को हमेशा ऊंचा दर्जा दिया जाता है और बेटे को निमन सत्र पर गिना जाता है। जब भी नवरात्रों, व्रत कथा, पूजन, लक्ष्मी पूजन का आयोजन हमारे परिवार में किया जाता है तो बेटी को हमेशा आगे रखा जाता है। उस समय लोग दिखावे के लिए समाज के लोग इस पूजन के अवसर पर बेटियों के पांव धोते हैं और फिर उनके पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है और उनको भोजन करवाया जाता है। एक बात और यह कि हमेशा ये कहा जाता है कि बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन एक परिवार में बेटी को वो मान सम्मान और समानता का अधिकार कभी नहीं मिलता जो एक बेटे को मिलता है। माता पिता अपने बेटे की हर खुशी और इच्छा का ध्यान रखते हैं और उसे पूरा भी करते हैं, लेकिन जब बेटे की खुशियों और इच्छाओं की बात आती है तो माता पिता इतना ध्यान भी नहीं देते हैं और उसकी हर खुशी और इच्छा को दबाने की कोशिश करते हैं। और तो और माता पिता तो बेटे की सुबह उठने, सोने, जागने तथा शाम तक उसकी पूरी दिनचर्या का ख्याल रखते हैं कि उसको कोई दुख तकलीफ न हो। हमारा समाज बेटे के हर ख्वाब को पूरा करने में इतना अंधा हो गया है कि बेटी के बचपन, उसके सपने, उसके खेल, उसके लक्ष्य की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे कोई भी प्रतियोगिता हो, चाहे कोई भी दिन हो, लेकिन बेटे के हर काम को माँ बाप के द्वारा मना किया जाता है। इतिहास भी इस बात का गवाह है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग से लेकर अब तक न जाने किन किन रूप में बेटियों ने कितनी कुर्बानियां और बलिदान दिए हैं, और इतना त्याग बेटा तो किसी भी जन्म में नहीं कर सकता। रामायण में सीता माता जी पर भगवान श्री राम जी ने उनके पवित्रता पर सवाल उठाए तो सीता माता जी ने भी अग्नि परीक्षा जीतकर ये साबित कर दिया था कि वो भी राजा जनक की बेटी हैं और बेटों से कम नहीं है। हमारे देश की शान और हमारे देश की बेटी कल्पना चावला ने तो नासा अर्थात नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन USA से उड़ान भरकर वो तहलका मचा दिया था कि जिससे हर भारतवंशी का सिर गर्व से ऊंचा हो गया था। इतना ही नहीं, उसके इस साहस भरे कार्य से उसे इतनी सराहना मिली थी और इतनी प्रशंसा मिली थी कि विकसित देश के सभी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वहाँ के लोगों ने कल्पना चावला को दिल से सल्यूट किया था। हमारे देश में बेटियों के इतने उदाहरण हैं कि जिन्होंने हर क्षेत्र में अपना नाम कायम किया है, लेकिन फिर भी
उनके नाम को निमन सत्र में गिना जाता है। आज के युग में बेटी चाहे शिक्षा, राजनीतिक, सामाजिक, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम या प्रतियोगिता तथा और कोई भी क्षेत्र हो, हमेशा बेटों से आगे रहती है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो ये भी सब जानते हैं कि बीते समय से लेकर अब तक जब भी 10th, प्लस टू, BA, MA, MBBS या कोई भी क्लास का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाता है तो हर अखबार और टीवी के हर न्यूज़ चैनल पर एक ही खबर दिखाई जाती है कि बेटियों ने फिर बाजी मारी, अर्थात उनका जो परीक्षा परिणाम है वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे है और वो उनसे किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। उदाहरण के तौर पर राजनीति के क्षेत्र में श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी और उन्हीं की तरह ही महिला प्रधानमंत्री की तरह ही श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। आखिरकार वो भी किसी की बेटी थी। उनके द्वारा राजनीति में कदम रखने से इस क्षेत्र में भी वो बेटों से आगे निकल गई थी। और तो और भारत जैसे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी जी 15 वर्ष प्रधानमंत्री रहकर उन परंपराओं को तोड़कर बाकी सभी औरतों और बेटियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी। लता मंगेशकर और आशा भोंसले संगीत के वो चमकते हुए सितारे थे जिनका कार्यक्रम जब शुरू होता था तो सारा हाल तालियों से गूंजने लगता था। इन दोनों की आवाज़ में एक ऐसा जादू था जो संगीत की दुनिया में आज भी छाया हुआ है। और तो और माँ बाप के युग में तो गंधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र के अंधे होने पर अपना पति धर्म निभाने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। आखिर वो भी तो किसी की बेटी थी। क्या एक बेटा उनकी तरह इतना त्याग कर सकता है? क्या कोई बेटा गंधारी की तरह इतना बड़ा बलिदान दे सकता है? आज के युग में बेटे के जन्म को भगवान कृष्ण का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इस समाज को ये भी तो पता होना चाहिए कि बेटियां जैसी भी हो वो हमेशा खुश रहती है। जब घर में बेटा सो रहा होता है तो उसके माता पिता इतने खुश होते हैं कि मन ही मन न जाने उसकी कितनी तारीफ करते हैं। इतना ही नहीं, खेल जगत में तो साइना नेहवाल, मेरी काम, PV संधु, मिताली राज, झूलन गोस्वामी, गीता फोगाट, दीपिका कुमारी, साक्षी मलिक जैसी बेटियों ने अपनी मेहनत और लगन से पूरे विश्व में अपना नाम चमका दिया और हमारे देश को भी ऐसी बेटियों पर गर्व है। और तो और सविता पूनिया जो इंडियन महिला हॉकी टीम में एशिया महाद्वीप की बेस्ट गोलकीपर है और वह अपनी मेहनत के बल पर आज हमारे गाँव जोधगा का नाम रोशन कर दिया है, लेकिन फिर भी पता नहीं और बेटियों की तरह सब बेटियों को वो अधिकार क्यों नहीं मिलता जो एक बेटे को मिलता है। घर में बेटी हर रूप में होती है, जैसे माँ, बहन, पत्नी, बेटी, और हर रूप में अपने कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाकर पूरे परिवार को एक डोर में बांधे रखती है। क्या हमारे समाज की जो बेटियों के प्रति जो सोच है वो कभी नहीं बदलेगी? बोलो, जवाब दो समाज के प्रत्येक व्यक्ति से मेरा ये प्रश्न है। आखिरकार हमारे समाज में बेटी को बेटे के बराबर अधिकार कब मिलेगा? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक लाइन बनकर ही रह जाएगी? आखिर कब आएगा वो दिन जब बेटी के जन्म पर बेटे के जन्म की तरह ही किसी बड़ी पार्टी, उत्सव या समारोह का आयोजन पूरे परिवार में खुशी के साथ किया जाएगा? आखिर कब आएगा वो खुशियों का दिन जब बेटी के जन्म पर घर, परिवार और आस पड़ोस में मिठाई बांटी जाएगी? आखिर कब आएगा वो दिन जब हर बेटी को पूरी स्वतंत्रता और पूरी आज़ादी से वो अधिकार मिले जिससे वह शिक्षा, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा हर प्रतियोगिता के हर क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़कर तथा बढ़ चढ़कर भाग लेकर अपना लक्ष्य हासिल करेगी और भविष्य में अपना नाम पूरे विश्व में चमकाएगी? कुड़ियां कुंजा कुंजा ने कद फसलां उजाड़ियां ने, ये कुड़ियां फेर भी माड़ियां ने, ये कंजकां अजय भी माड़ियां ने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विश्व के माध्यम से ये मेरी माताओं और मेरी बहनों के लिए मेरा यह अंतिम संदेश है जो वह
अपने जीवन में आगे बढ़कर कर सकती है। हम सभी ने ये तो सुना है कि अपना भारत देश बहुत आगे बढ़ गया है और हमारे देश ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन लोगों की सोच ने क्या तरक्की की? जी नहीं, आज भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ है। मेरा उन लोगों से सिर्फ एक सवाल है कि वो अपनी बीवी के लिए लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? है कोई जवाब? किसी के पास नहीं है जवाब, क्योंकि इस सवाल के जवाब में लंबी जुबान के लिए कोई ना कोई शिकायत जरूर करता है। फिर कोई गूंगी लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं है। कई बार तो ये भी देखते हैं कि घर में कई चीज़ें जैसे टीवी, सोफा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, गाड़ी आदि बेटे की शादी तक कोई नहीं खरीदते, और हम कहते हैं कि हमारा भारत बहुत आगे निकल गया है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अपनी बेटी के पैदा होते ही अपनी 99% दौलत दान कर दी थी, और बाप अपनी बेटी के देश को जोड़ने के लिए अपने सोने की जंजीर और अंगूठी को पहनना भी छोड़ देता है। और हम कहते हैं कि हमारा जो देश है वो बहुत आगे निकल गया है। अरे समाज के लोगों के सोच को बहन बेटियों के बारे में तो छोड़िए, लोग अपने स्वार्थ तक के लिए तो अपनी माँ तक को भूल जाते हैं, उनका बंटवारा कर लेते हैं। अगर मैं माँ के बलिदान के बारे में बात करूँगा तो बहुत समय निकल जाएगा, लेकिन दो शब्द जरूर कहूँगा उन बेटों के लिए जिन्हें माँ का मतलब नहीं पता। किसी रात को सबके खाना खाने के बाद एक दिन रसोई घर में अपना खाना खुद ढूंढो, माँ क्या होती है समझ जाओगे। अरे माँ तो वो भगवान है जिसे बुखार भी हो जाए और उसके बेटे को पता भी चल जाए तो पता है क्या कहेगी? बेटा खाना बना रही थी ना, तो इसलिए गर्म हूँ। मेरा ये सभी माता पिता से एक अनुरोध है कि अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनाएं और उसे आत्मरक्षा का गुण भी सिखाएं। आत्मरक्षा इसलिए ज़रूरी है कि हर बेटी अपने जीवन में अपनी रक्षा खुद कर सके, क्योंकि जब भी वो बाहर जाती है तो उसे अपने माता पिता से आज्ञा लेकर बाहर जाना पड़ता है और अपने भाई को साथ ले जाना पड़ता है। उन्हें इस काबिल बनाएं जिससे वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके। और हाँ, दूसरा, आत्मनिर्भर होना तो बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब एक बेटी की शादी हो जाती है और बेटी की शादी के बाद उसे जब भी पैसे की ज़रूरत होती है तो उसे अपने पति के सामने आर्थिक सहायता के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं। इसलिए सभी माता पिता अपनी बेटी को इतना आत्मनिर्भर बनाएं कि उसे आर्थिक सहायता के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाने पड़े, और दूसरा ये कि उसे इतना आत्मनिर्भर बनाए कि वह भविष्य में बिना कोई कलह के ऐसा मार्ग ढूंढे कि दूसरे की भी आर्थिक मदद कर सके और दूसरी बेटियों को भी रोजगार प्रदान कर सभी बेटियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सके। इसलिए सभी बेटियों को पुराने रीति रिवाजों को तोड़कर आगे बढ़ना होगा और ऐसा कर गुजरना होगा कि हर माँ बाप यह कहे कि मुझे अपनी बेटी पर गर्व है और अगले जन्म में मुझे बेटी ही चाहिए। इसलिए सभी बेटियों से मेरा ये एक लास्ट मैसेज है कि सभी उठो, जागो और आगे बढ़कर अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। यही मेरा टॉपिक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसलिए मेरे जितने भी फेसबुक के फ्रेंड हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।